प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद ने आज नई दिल्ली में देश की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने तक की प्रतिस्पर्धी रूपरेखा यानी कम्पेटिटिव रोडमैप फॉर इंडिया 800 जारी की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने बाली पहुंचे व अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल और संबंधित उभरती प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उद्योग अकादमी साझेदारी और अनुसंधान को बढ़ाने के लिए नॉर्थ कैप विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। G20 डिजिटल इनोवेशन नेटवर्क में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय द्वारा तेलंगाना AI मिशन के 4 स्टार्टअप्स का चयन किया गया है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 212.17 करोड़ डोज दी जा चुकी हैं, जिसमें 94.23 करोड़ दूसरी डोज और 15.66 करोड़ प्रिकॉशन डोज शामिल हैं।